जब तुम बड़ी हो रही थी और तुम्हारे पीरियड्स हुआ करते थे, तो क्या तुमने भी इस तरह की बातें सुनी थी कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत छुओ, वो मत छुओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, बहुत सारे तरह की भ्रांतियाँ। क्या तुमने भी ये सब सुना था? क्या ये सही है? चलो एक कहानी बताती हूँ। एक ना गुरुजी थे, और उन गुरुजी की बहुत ही प्यारी सी एक बिल्ली हुआ करती थी, काले रंग की। और वो गुरुजी हर साल एक अनुष्ठान का प्रायोजन किया करते थे, और उस अनुष्ठान के लिए बहुत सारी तरह की सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि उनके चेले उन्हें लाकर दिया करते थे। और ये जो बिल्ली थी, उस पूरे अनुष्ठान में उनके आसपास ही घूमती रहेगी, ये उनको पता था। गुरुजी ने सोचा कि क्योंकि ये बिल्ली हमेशा मेरे पास ही रहती है, कहीं उसको यज्ञ की आग से चोट ना लग जाए, या इतना सारा सामग्री यहाँ वहाँ फैला हुआ होगा, कहीं वो इधर उधर ना कर दे कुछ सामान। तो उन्होंने अपने चेलों को बुलाया और उनसे बोला कि एक बड़ी सी टोकनी ढूंढ के लाओ, और मेरी बिल्ली को यहाँ मेरे बगल में रख के उसके ऊपर से उसे टोकनी से ढक दो, ताकि बिल्ली भी सुरक्षित रहे और अनुष्ठान के कार्यों में भी कोई बाधा ना आए। चेलों ने यही किया, और इसी तरह से हर साल इसी तरह से टोकनी ढूंढ के लाते चेले और बिल्ली को ढककर रख देते, और बड़े आराम से जो अनुष्ठान है वो पूरा हो जाता। अब इसी प्रकार से ये अनुष्ठान साल दर साल चलता रहा, चेले बदल गए और गुरुजी भी कुछ टाइम के बाद स्वर्ग सिधार गए। मगर जो चेले थे, जो नए चेले आए थे, उन्हें लगा कि अरे, गुरुजी इन सब सामग्रियों को इकट्ठा करने को कहा करते थे, और जो काली बिल्ली है वो भी रहा करती थी, उस बिल्ली को भी पता नहीं क्या हुआ, शायद भाग गई या मर गई, जो भी कुछ हुआ होगा। पर चेलों को तो अपने गुरुजी की बात याद थी, तो वो कहीं से एक काली बिल्ली ढूंढ कर लाते और एक टोकनी जो है उसके ऊपर रख देते जब वो अनुष्ठान हो रहा होता। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि किस तरह से जो भ्रांतियाँ हैं वो विकसित होती हैं। कुछ अच्छे कार्यों के लिए हम कुछ चीज़ें मानना चालू करते हैं, और आगे चल के उन्हीं को एक दकियानूसी ख्याल में बदल दिया जाता है। उस समय जब पैड्स नहीं हुआ करते थे, उस समय जब जंगलों में लोग रहा करते थे, तो इस तरह की मान्यताएं बोली जाती थी, लोगों से करवाया जाता था। जैसे औरतों को बाहर जाने से इसीलिए रोका जाता था क्योंकि वो लोग जंगल में रहते थे, और जंगल में कई तरह के जंगली जानवर हुआ करते थे, तो वो कहीं सूंघ ना लें खून को और किसी तरह की हानि ना पहुँचाएँ लड़कियों को, तो उन्हें घर के अंदर रहने को कहा जाता था। घर के और किचन के कार्य भी इसीलिए मना किए जाते थे क्योंकि उस ज़माने में मिक्सी और नाना प्रकार के आजकल के जो इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास, वो सब तो नहीं हुआ करते थे। तो चक्की पीसने से लेकर जाकर दूर पानी भर के लाना, ये सब कार्य स्त्रियों का ही हुआ करता था। तो इतना सारा भारी कार्य उस वक्त ना करें और उनको कुछ देर का आराम मिल सके, इसीलिए उन्हें बोला जाता था कि नहीं नहीं, तुम ये सब काम नहीं करो, आराम करो बस इस वक्त। जिस प्रकार उस कहानी में काली बिल्ली और टोकनी को एक मान्यता समझकर चेलों ने हमेशा के लिए रखना चालू कर दिया था, उसी प्रकार कुछ आत्मबोध से ग्रसित लोग जो होते हैं, जो दूसरों का भला नहीं चाहते और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको भी बुरा बनाकर, गलत बनाकर उसका पालन करवाना चाहते हैं, या शायद अपनी प्रभुता साबित करने के लिए ऐसा करते हैं, उन्होंने ऐसी अच्छी चीज़ों को एक बुरे मकसद के साथ शायद अपने घर की स्त्रियों से फॉलो कराना चालू कर, और धीरे धीरे करके ये मान्यताएं इतनी क्रूर बन गई कि सभी लोग परेशान रहने लगे इनसे। लेकिन आज जब हम एक सभ्य समाज का हिस्सा हैं और जानते हैं हर चीज़ के बारे में, जब ज्ञान है हमें, तो हमें ऐसी चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारा सनातन धर्म इतना विकसित और इतना अच्छा था, जिसमें औरतों का, स्त्रियों का सम्मान सर्वोपरि। हमारे वेद पुराणों में इस तरह की बातों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। स्त्रियों को हमेशा से यहाँ देवियों का दर्जा दिया गया है,
किसी भी अनुष्ठान को अगर पूर्ण करना है तो बिना स्त्री के वो संभव नहीं हुआ करता था। रामचंद्र जी ने भी जब यज्ञ किया था अपने विजय के लिए, तो रावण सीता जी को अपने साथ में लेके आए थे ताकि उनका अनुष्ठान पूरा किया जा सके। यहाँ तक कि जितने भी भगवान हैं उन्हें अपनी माताओं के नामों से जाना जाता है। आपको किसी का भी सरनेम नहीं पता होगा, पता है क्या? नहीं ना। तो जब स्त्रियों का दर्जा इतना ज़्यादा ऊपर था, इतने सम्मान के योग्य थी, आपको क्या लगता है कि हमारा धर्म उनको किसी भी तरह से नीचा दिखा सकता था, या उन्हें अछूत या इस तरह की बातों से संबोधित कर सकता होगा? नहीं, ये सब आज की मान्यताएं हैं, और कुछ ऐसे लोगों ने इसको बढ़ावा दिया है जो सिर्फ अपने प्रभुता के लिए सब करते हैं। कृपया ऐसी चीज़ों से दूर रहें, ऐसी मान्यताओं से दूर रहें। अपनी पुत्री, अपने बहन, अपनी माँओं का ख्याल रखें। और अगर आप एक स्त्री हैं तो एक स्त्री होने का सबसे बड़ा जो दायित्व है वो है कि हम अपने साथ में जितनी भी औरतें हैं, जिनके भी हम संपर्क में आते हैं, उन सभी नारियों को हम उत्थान की ओर लेके जाएं। इन दकियानूसी ख्यालों के साथ आगे किसी को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो इतनी कॉन्फिडेंट हो कि वो किसी भी तरह से किसी भी कार्य को करने से पहले डरे नहीं, घबराए नहीं, पर हमारी स्त्रियां हमेशा आत्मबोध से भरी रहें। इसी आशा के साथ मैं चाहती हूँ कि आप ये मैसेज सब में फैलाएं। और मुझसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी बातें लेके आती रहूं। चलिए, कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? और कहानियाँ सुननी हैं तो वो भी बताना। नमस्कार।